रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ आइकन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, डायमेंशन का हमारा क्या कौन सा पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण के जड़त्व आघूर्ण तक डायमेंशन पिछले वीडियो में देख चुका था और इसको फिर एक बार देख लेते थे। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण के लिए द्रव्यमान में दूरी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इस सारे डायमेंशन जितना भी लिखवा है आप लोग कॉपी में राइट डाउन करके और इसको रिमेम्बर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, एम एल टू। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे टी जीरो दिए हैं और किसी किसी में अगर डायरेक्ट हम एल टू लिख देते हैं, जैसे एम एल टू लिख दिए और किसी का मतलब जो डायमेंशन जीरो है उसको हम नहीं लिख पा रहे, तो आप लोग ऐसे समझ जाएगा कि वो जीरो है, समझ में आ रहे हैं ना, जीरो समझना और ऑप्शन में जैसे मिले उसे आपको टिक करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कोणीय संवेग के लिए क्या होता है, कोणीय संवेग के लिए, कोणीय संवेग यानी एंगुलर जो क्या होता है, कोणीय संवेग के लिए, हाँ सॉरी, जड़त्व आघूर्ण क्या लिखा हुआ, जड़त्व आघूर्ण क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है ना। तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण के तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, एम एल टू होता है, टी जीरो होता है, तो टी जीरो अभी नहीं लिखते, ठीक है ना। एम एल टू तो हो गया, ठीक है ना। कोणीय वेग के लिए आप जानते हैं टी माइनस क्या होता है, वन होता है, कोणीय वेग के लिए ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या लिखे, टी माइनस के वन, ये इसका मतलब क्या हुआ, कोणीय संवेग का क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस वन, याद रखिएगा एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं प्रत्यास्थता के लिए, प्रत्यास्थता गुणांक के लिए क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। तो प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल के आप क्या जानते हैं, इसका ऑलरेडी होता है, अच्छा ठीक है, विकृति का डायमेंशन होता है नो, रेशियो का, विकृति का और क्या होता है, रेशियो का, रेशियो का देख लिए, विकृति का देख लिए और हमारा क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, तीनों का डायमेंशन नहीं होता, तो विकृति आ गया तो इसमें डायमेंशन लेस होता है। तो आप जानते हैं प्रतिबल क्या होता है, एम एल माइनस वन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलिए इसका देखते हैं श्यानता गुणांक के लिए, श्यानता गुणांक बल, बल गुणे समय अपॉन क्षेत्रफल, अर्थात इसका हुआ फोर्स इनटू समय अपॉन क्या हुआ, क्षेत्रफल। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं और जानते हैं बल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस क्या होता है टू गुणे समय क्या हो जाएगा टी अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है L2 होता है, आप जानते हैं L2 बता चुके हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए इसको जब सॉल्यूशन फाइनली हम लोग करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि हो जाए, चलिए इसको फाइनली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो आप सोच के देखिए M को तो M सिंपल उतारेंगे, ठीक है, L L2 है, L2 है, ऊपर जाए क्या बनेगा, तो एक L तो इसमें से यानी L माइनस टू बनेगा, तो L एक निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल माइनस वन बनेगा ना ऊपर जाएगा तो, ठीक है। टी माइनस टू है और यहाँ पे टी है, तो देखिए यहाँ पे एक टी निकलेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा टी माइनस के वन, यू नो दैट फाइनली हमारा वैल्यू कितना होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। देखिए जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, ठीक है, यहाँ पे टी माइनस टू है, बस यहाँ पे क्या टी माइनस वन है, तो यही आपको याद रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, लेकिन श्यानता जो गुणांक होता है, श्यान का मतलब अब थोड़ा होशियार हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा अपना ज्यादा बोलने का जो कैपेसिटी थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा उसका लास्ट में हमारा टी माइनस वन हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड क्या लगेगा अपना कम लेगा बोलने में, ठीक है। चलिए और इसमें का नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो बल के बीमा तो जानते हैं क्या होता है, एम एल टी माइनस के क्या होता है टू अपॉन क्या होता है एल, एल के लिए क्या होता है एल हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये सोच के देखिए तो एल से एल गायब हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये पृष्ठ के लिए बीमा डायरेक्ट बन जाएगा आपको फाइनली एम टी माइनस के टू, ओके समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा बटा द्रव्यमान यानी क्या होता है एनर्जी अपॉन क्या होता है एम, तो आप जानते हैं ऊर्जा के लिए क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, तो यानी एम एल टू टी माइनस टू होता है, तो एम से एम दोनों नीचे कटेगा ना, ऊपर भी एम आएगा नीचे भी एम है, क्योंकि द्रव्यमान के लिए एम होता है, तो क्या बनेगा एम से एम कट जाएगा तो बनेगा
एल टू टी माइनस के टू, ठीक है, ये हो गया, ये ठीक है, गुप्त उष्मा के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लैंक नियतांक के लिए क्या होता है। प्लैंक नियतांक का मतलब हुआ ऊर्जा बटा क्या हो आवृत्ति। ऊर्जा के लिए आप जानते हैं एम एम एल टू टी माइनस टू होता है, आवृत्ति के लिए क्या होता है टी होता है, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या बनेगा वैल्यू, फाइनली आपका क्या बन जाएगा, तो फाइनली बनेगा एम एल टू टी माइनस के वन, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा वही है। आवेश का क्या होता है, आई टी या ए टी होता है, आप तो जानते होंगे आई टी या ए, चलिए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ए टी या क्या होता है, ए टी या आई टी हो जाएगा, दोनों होता है इसका, याद रखिएगा ए टी या आई टी दोनों होता है। प्रतिरोध के बीमा क्या होता है आपको पता है, वोल्ट की बीमा क्या होता है, यानी होता है 12 माइनस के 31, यानी ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। आई का तो हो गया, तो इसका डायरेक्टली इसका बनता है पर इसी के लिए क्या होता है रेजिस्टेंस के लिए बनता है ML2 T माइनस के 3 M 12 माइनस के क्या होता है 32, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2 होता है, वही होता है, यानी वोल्ट के बीमा के लिए 12 माइनस के 31। इसको ऐसा ट्रिक से याद कीजिए 12 माइनस 32, ठीक है, मतलब ट्रिक है इसके लिए। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी क्लासों से जुड़े। अगर आप 11, 12 और 10th में हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।